आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि VI की सिम, आइडिया की पुरानी सिम या वोडाफोन की जो लाल कलर की सिम आती थी और पीले कलर की सिम, उसको हम 4G में कैसे अपग्रेड करेंगे। ये देखिए नई सिम है फिर VI की। इसके लिए सबसे पहले आपके पास ये नई सिम खाली ब्लैंक होना चाहिए, आपको किसी दुकानदार से रिटेलर से मिल जाएगी। तो ये हमने इसको रखा है VI की सिम को और हमने ये पुरानी सिम को इसमें डाल दिया मोबाइल में। मोबाइल में डालने के बाद इसमें नेटवर्क आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों को प्रोसेस जो लिखनी है, इसमें लिखना है SIM सिम EX, इसको हमें लिखना है कैपिटल लेटर में, और पूरा सिम नंबर जो इसमें लिखा हुआ 899 से, या सिम के पीछे भी आप यहाँ पर देख सकते हो 899 से नंबर लिखा हुआ। इस पूरे नंबर को 19 या 20 डिजिट का नंबर होता है, इसको हमें यहाँ पर टाइप करना है स्पेस देकर सिम EX के बीच में, और हमें इसको भेजना है 55199 पर। ये मैसेज यहाँ से नया क्रिएट हो जाता है, यहाँ से वो 55199 हम डायल कर सकते हैं, और यहाँ से जो हमें प्रोसेस लिखनी है इस टाइप से लिखनी है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। तभी मैंने आपको भेजा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रोसेस करी हुई है। तो यहाँ पर जब हमने मैसेज को भेजा है, यहाँ रिवर्ट में आता है योर रिक्वेस्ट फॉर सिम एक्सचेंज सर्विस, जैसे मैं यहाँ पर अभी डबल से कर दे रहा हूँ तो रिप्लाई में सेम ऐसे ही आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर सिम एक्सचेंज रिसीव विल रिवर्ट विद, और यहाँ पर मैंने पहले से ही कर रखा है तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा वी हैव रिसीव्ड इस नंबर की, और आपको अगर इसको अपग्रेड करना कराना चाहते हो तो आपको वाई से रिप्लाई देना पड़ेगा यस का। यहाँ पर भी सेम यही आया है, और मैं यहाँ पर वाई से रिवर्ट बैक कर देता हूँ इस मैसेज को आने के बाद। तो ये जब मैसेज में भेज दूँगा तो यहाँ पर एक और रिप्लाई आएगा, इसमें लिखा रहेगा हेलो वी विल कॉल यू शॉर्टली फ्रॉम दिस नंबर, कन्फर्म अ फ्यू डिटेल्स टू कम्प्लीट योर सिम अपग्रेड रिक्वेस्ट, डू आंसर द कॉल, कीप योर न्यू सिम हैंडी फॉर एंटरिंग सिम नंबर। मतलब कि आपके पास जब ये वाला सिम कार्ड अवेलेबल हो तभी आपको इस कॉल पर कंफर्मेशन के लिए यस करना है, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो रहा है। तो इसमें कॉल में आपको यही बताया जाएगा, और आपको कॉल उठाने के बाद वहाँ पर फॉलो करना है, और वहाँ पर आपको वन से प्रेस करके यस करना है। मैं आपको भी बताता हूँ कॉल आएगा तो उसमें ताकि इस कॉल के दौरान आप उस सिम के लास्ट सिक्स डिजिट 181410। आपने एंटर किया है 1814100। कंफर्म करने के लिए आपके अकाउंट के खाते की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिम सफलतापूर्वक अपग्रेड होने के बाद आपके नंबर पर अगले 24 घंटों के लिए नई सिम पर SMS भेजने और प्राप्त करने की सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी। 24 घंटों के बाद SMS सेवा सामान्य रूप से अपने आप फिर से शुरू हो जाएगी। इस IVR पर सभी जानकारी सही तरह से दर्ज करने के लिए धन्यवाद। सिम अपग्रेड के लिए आपके द्वारा किए गए अनुरोध पर अगले 2 घंटों में कार्यवाही की जाएगी। पुरानी सिम पर नेटवर्क बंद हो जाने पर अपने फोन के सिम स्लॉट 1 में नया फ्री सिम डालकर हमारी सेवाओं का आनंद लें।